नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई की जामा मस्जिद दीनदयाल नगर में। आप देख सकते हो क्या नज़ारा है यहाँ का, आप अच्छे से देख सकते हो। रमज़ान का महीना शुरू है और दावत इफ्तार पार्टियाँ हर रोज़ बरोज़ हो रही है। मैंने इसके पहले भी वीडियोज़ दावत इफ्तार पार्टी के लगाए हैं, लेकिन आज हम यहाँ खुद दावत इफ्तार पार्टी में शामिल होने खुद आए हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, ये इफ्तार की तैयारियाँ जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं। इस तरफ जो बात करें हमारी संस्था KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, उनके पदाधिकारी है, वो तैयारी में लगे हुए हैं। अभी कुछ ही समय बाद यहाँ पर मेहमान लोग आने वाले और इफ्तारी का समय होने वाला है। ये वसई की एक सुप्रसिद्ध मस्जिद है, पीछे की तरफ आप देखेंगे मस्जिद जामे मस्जिद है। और यहाँ आज शामिल होने, इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने पुलिस महकमे से आला अधिकारी आने वाले, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बड़े बड़े नेता लोग आने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूँ, ये कार्यक्रम KGN वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी टीम ने किया है। इस कार्यक्रम के लिए उनको बधाई। और ये जो दावत इफ्तार पार्टी है, ये किसी पार्टी विशेष की नहीं है, किसी धर्म विशेष की नहीं है। यहाँ हर एक पार्टी वाले लोग आने वाले हैं और हर धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तो इसके आगे की अपडेट हम देखिए और बने रहिए हमारे साथ। हाँ, वालेकुम। आपकी संस्था, खान साहब, आपकी संस्था की तरफ से आज दावत इफ्तार पार्टी रखी गई थी, इसमें कौन कौन शरीक हुए, किन किन धर्मों के लोग थे और किन किन पार्टियों से लोग थे, जानकारी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज पंडित दीनदयाल के अंदर KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा था, और इस प्रोग्राम का एक संदेश ऐसा ही था कि सब धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी लोग यहाँ पे इफ्तार करने के लिए आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जैसे कि आपने इससे पहले भी जो हमारे गुरु थे उन्होंने बोला कि हम लोग सब एक साथ में हैं और हम लोग सब एक साथ में हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे। और हमारा ये एक बाहर इफ्तार पार्टी रखने का वजह यही थी कि इसमें सब कास्ट के और सब लोग हम साथ में रहते हैं, और साथ में इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए। और ये हकीकत है, अभी इससे पहले संदेश भाई ने बोला था कि इंसान कोई ख़राब नहीं होता, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंसान कोई ख़राब नहीं होता। लेकिन इंसान को ख़राब करने वाले जो पॉलिटिशियन लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से इंसान गड़बड़ी हो जाता है और इंसान ख़राब होने में कुछ वक्त नहीं लगता है, ख़राब हो जाता है। तो मेरा ये कहना है, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, कि हम सब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई, हम लोग सब साथ में हैं और साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा जैसे आज हमने इफ्तार पार्टी प्रोग्राम रखा था, ऐसे ही इंशाअल्लाह हर साल रखते रहेंगे। और हमारी सब लोगों की यही है कि सब लोग एक साथ में रहें और सब साथ में रहें, इस तरीके से दिलों में किसी के कोई नफरत पैदा नहीं करें और किसी का कोई ऐसा गलत मुद्दा नहीं उठाएं जिसलिए धार्मिक किसी को तकलीफ हो। और मैं तो फिर वही दो लफ्ज़ अपने समाप्त करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। लेकिन भाई क्या कहना चाहिए आज के इस इफ्तार पार्टी के मौके पे? मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाले टाइम पे 3 या 2 तारीख को ईद भी है, वो ईद के मौके पे हम अभी से ईद की मुबारकबाद देते हैं। इफ्तार का ये जो मौका था, हमने इस मौके पे लोगों को इसीलिए बुलाया था कि हमारे मुल्क में एक अच्छा मैसेज जावे लोगों के बीच में, और जो नाइत्तेफाकी है या किसी तरीके से कोई इस वक्त हालात जो चल रहे वो प्रॉब्लम नहीं होवे, इसके लिए हमने इस मौके पे एक इफ्तार पार्टी की दावत दी थी, जिसमें सभी लोग शिरकत किए हैं। हमारे आयुक्त साहब थे और यहाँ के नगर सेवक वगैरह जैसे संदेश यादव भाई और विजय पाटिल साहब आए थे, शिवसेना के कुछ पदाधिकारी थे, तो ये सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे। सारे लोग शामिल होके इस मौके पे एक अच्छा मैसेज दिया है। बस हम सबको ये दुआ सबसे करते हैं कि सब मिलजुल के रहें। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
यहाँ पर आज मुस्लिम भाईचारे की तरफ से संदेश आया था कि जो रमज़ान के दिन चल रहे हैं उसमें इनवाइट किया है। इधर आके सभी धर्म के लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, आपस में प्यार भाईचारा दिखा है। गुरु नानक साहब महाराज जी का संदेश भी यही कहता है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को बंदे। एक ही अल्लाह से, वाहिगुरु से, परमात्मा से, प्रभु से सब पैदा हुए हैं। ये हमारे अपने अपने विचार हैं, को पले को मंदे। विचार मंदे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन जो मनुख है, आदमी है, वो अच्छा ही है, उसके विचार गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, सबने इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठ के भोजन किया है, खाना खाया है। उनकी तरफ से जो रोजा खुलती है वो किया है, सबने मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हम सबके आभारी हैं, ऐसे ही इसी में भाईचारा बना रहे और लोग प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ सम्मान करें एक दूसरे का और अच्छे से रहें। वाहिगुरु। नमस्कार, मैं विजय पटेल। आज रमजान का इफ्तार पार्टी के लिए दीनदयाल नगर में हमारे जो कल्लन भाई हैं उनके सभी सहयोगी हैं, उन्होंने जो इफ्तार पार्टी रखा था, मैं इफ्तार पार्टी का सभी मुसलमान बंधु भाई को और जितने उतने इधर मित्र परिवार आए हैं उनको सबको शुभकामना देता हूँ। आज शहर में ऐसा माहौल सब जगह देखने को मिलता है तो खुशी होती है कि सब इधर जो जितने धार्मिक लोग हैं वो एकता से ये ऐसे फंक्शन में आते हैं और वसे की एकता दिखती है। सभी ये कार्यक्रम करने वाले की मैं आभार मानता हूँ कि ये कार्यक्रम करके हम लोग को बुलाया और आपके सब धर्मियों के साथ में हमको इधर इफ्तार पार्टी में सभा करने का योगदान दिया, इसलिए मैं सबको शुभकामना दे के आपको या आने वाले ईद को मुबारक दे के मेरे दो शब्द खत्म करते हैं। नवनीत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इफ्तार जो सब मुस्लिम भाई लोग बहुत अच्छा हुआ है, इसमें ये मौके पे हमें खुदा के रोजा छोड़ना ये सर्व सब सभी भाइयों में सभी लोगों में एक एकता का जो एकता है उनका प्रदर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, ये सभी सभी लोगों के लिए अच्छा है। वसे रोड या वसे गांव में मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई सब एक साथ में मिल के ये त्यौहार मनाते हैं। दिवाली होने दो, क्रिसमस होने दो या रमजान की ईद आने दो, सभी लोग साथ में हैं, यही हमारा संदेश है। आने वाली तीन तारीख की ईद को हमारे कांग्रेस की तरफ से, बेसिक कैथलिक बैंक की तरफ से सभी ईद की मुबारक मैं शुभेच्छा दी। सर क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज रमजान के मौके पर रमजान भाई ने जो के जी एन की जाने से और इनकी तस्वीर ने जो यहाँ पर दावत इफ्तार का जो इतना अच्छा खूबसूरत एक इंतमाम किया और यहाँ पर सभी मजहब के लोग जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और हर सियासी पार्टी से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे वसई तालुके की एक खूबसूरती है और जो एक यहाँ का माहौल है कि हम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप और एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं ताकि एक भाईचारा और अमन का जो है यहाँ पर एक दूसरे में पैगाम जाए। तो यहाँ का जो माहौल है देखकर जो खुशी हुई है, मैं कल्लन भाई और ये तमाम सहयोगी जितने भी लोग हैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आज? देखिए, आज जो यहाँ पर केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जिसके अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कल्लन खान साहब है, ऑलरेडी केजीएन वेलफेयर सोशल जो एसोसिएशन है वो पहले से सभी जाति धर्म को साथ में लेके चल रही है और अपने जो भारत देश है जो सभी धर्म को सभी जातियों को साथ में लेके आगे चल रहा है, यही भाईचारा आगे भी रहना चाहिए, इसके लिए सब लोग प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज का ये जो प्रोग्राम है जिसमें सब लोगों ने बहुत मेहनत की और यही एक अच्छा संदेश हम लोगों को आगे लेके चलना है कि ये भारत देश सभी जाति धर्म का है। संदेश सर क्या कहना चाहेंगे? केजीएन वेलफेयर ग्रुप के तरफ से
आज जामा मस्जिद पंडित दीनदयाल नगर में जो इफ्तार पार्टी का यहाँ पे हमको न्योता दिया था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सालों से यहाँ की एक अच्छी ये दीनदयाल नगर है नवगर मानिकपुर का एक बहुत अच्छा माहौल बना है जो कि सर्वधर्मीय सर्वधर्म समभाव का हिसाब से सब लोग आते हैं। और आज भी अपने को देखने को मिला कि सभी जाति धर्म के यहाँ पे धर्मगुरु थे हमारे सब भाई लोग थे जो यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी में बुलाया गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी 2 साल के बाद कोरोना के बाद में हम लोग खुदा की शुक्र है कि हम इकट्ठा हुए और ऐसे मौके पे हम लोग अच्छे मौके पे कि रमज़ान का महीना चालू है और अभी ये सब उपवास का ये ख़त्म हो रहा है, रोजे ख़त्म हो रहे हैं, 3 तारीख को ईद भी मनाई जाने वाली है। मैं ईद की भी बहुत बहुत शुभकामना सबको देता हूँ और यही भाईचारा यहाँ का जो है यही भाईचारा आगे भी ऐसा ही बढ़ते रहे क्योंकि मैंने देखा है कि KGN ग्रुप है हमारे कल्लन साहब है कि उनके सभी जो सहकारी सहयोगी है ये कौन सी भी नेचुरल क्लाइमेटीज ये एरिया में हो तो वो पहले दौड़ते हैं, हम लोग भी एक साथ में दौड़ते हैं, एक साथ में काम करते हैं। मैं आपको एक कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो मस्जिद बनाई गई तभी हमारे एक घड़ियाली साहब थे, पप्पू सेठ थे, उन लोग थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे, उनके साथ में हम लोग ने काम किया हुआ है, तभी से मैंने देखा है। और हमारे जो सामने साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का कहना भी एक है कि सबका मालिक एक, तो हम सबका मालिक एक ही है और यही या इस एरिया में पंडित दीनदयाल नगर में ये सब होते आ रहा है क्योंकि सब अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, अच्छे विचार के लोग यहाँ पे रहते हैं। जब भी हमारे साईं बाबा मंदिर में मूर्ति की जब स्थापना हुई तभी सभी जाति धर्म के धर्मगुरु वहाँ पे मौजूद थे और उनके उपस्थिति में मूर्ति की स्थापना हुई, ये भी एकता का और राष्ट्रीय एकता का एक अच्छा एक है। वैसे ही में कभी भी कोई भी जाति धर्म के ऊपर कौन सा भी अभी माहौल ख़राब नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, यही मैं आज के दिन में कहना चाहता हूँ। सभी एक दूसरे भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, व्यवहार करेंगे और अच्छे तरीके से खुद की तरक्की करेंगे, सबकी तरक्की करेंगे। नमस्कार। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शहर रमदान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में क़ुरआन करीम को नाजिल फरमाया और वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो रोज़ा रखते हैं। और ख़ास कर तो ये अशरा जो है ये तीसरा 10 दिन बड़ी रहमतों का, बड़ी बरकतों का, वैसे पूरा महीना बरकतों का है। इसमें शबे कद्र है और शबे कद्र की फजीलत ऐसी है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फरिश्तों का नज़ूल होता है और रूहों का नज़ूल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रोज़ादारों को इफ्तार कराया तो उसको तो रोज़े का सवाब मिलता है और उसके रोज़े में से भी कुछ कम नहीं होता है। इतनी बरकतों का महीना है। और सहरी के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तसहरू फ़ैन्ना फ़ी सहूर बरका, यानी सहरी के लिए उठा करो, खाया करो, उसके अंदर बड़ी बरकत है। अगर आपको खाने की तबीयत आपकी ना भी कहे तो आप एक घूंट पानी ही पी लीजिए। और आज मानिकपुर के अंदर ये मंजर देखकर इफ्तारी का, मैं कल्लन खां और असलम शेख और तमाम अहबाब और इनकी पूरी सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के इमाम को, यहाँ के मुअज्जिन को, यहाँ के खादिमीन को, यहाँ के अजीज़ों को, दोस्तों को। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस सरजमीन को गुलो गुलजार रखे, आमीन। और सब दोस्तों के अंदर जो है तो मोहब्बत रहे, आमीन। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए जो है दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं सब सुरखरू रहें और अच्छे से रहें और अच्छे से ईद गुजर जाए। अल्लाह ताला आपको और सबको सलामत रखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्म शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्म मज़्ज़िक जमअहुम, अल्लाहुम्म दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्म ख़रिब बिलादहुम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लुना अलन्नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबको मुबारक हो भाई। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।